नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना फिर से आपके सामने आज का विचार लेके। एक गांव के पास एक परिवार उतरा बस से और अंदर आने लगे गांव में। उनका सामान भी उनके साथ था और गांव के स्टार्टिंग में ही वहां पे एक साधु जी की कुटिया थी। लोग उनके फॉलोअर्स उनके पास आते जाते रहते। ऐसे कि इंडियन कल्चर भी ऐसे है कि अगर कहीं साधु संत किसी गांव में रहते हैं तो लोग उनके फॉलोअर्स हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही वो आए और उन्होंने वहां पे उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि हमारी यहाँ पास में रेलवे लाइन बनने वाली है और हमारी ट्रांसफर हुई है, तो हम चाहते थे ये पास का एक गाँव है, यहीं पे आके बस जाएं, तो आप कृपया हमें बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। उन्होंने बोला कि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे लोग कैसे थे। उन्होंने बोला वहाँ के लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, झगड़ालू प्रवृत्ति, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करना, चोरियाँ करना, गाली गलौज करना, आदर सम्मान तो उनको आता ही नहीं था किसी को। तो उन्होंने बोला यहाँ भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, इस गांव में भी ऐसे ही लोग हैं। अब उन्होंने सोचा, पर उनको तो रहना था इसलिए वो गाँव में एंटर करके। कुछ समय बीता तो एक परिवार और आया, वो भी अपना सामान लेके आए थे क्योंकि वो रेलवे कॉलोनी रेलवे ट्रैक बनने वाले थे, तो बहुत सारे रेलवे लोगों की वहां पे ट्रांसफर हुई थी, तो उनको तो आना ही था, किसी गांव में रहना ही था। तो उन्होंने वो आए, उन्होंने भी वहां पे साधु जी देखे और सेम क्वेश्चन दोहराया। उनको भी पूछा गया कि महाराज यहाँ के लोग कैसे। उन्होंने बोला, उन्होंने भी सेम कुछ पूछा कि आप जहाँ से आए हो आप बताइए कि वहां के लोग कैसे थे। उन्होंने बोला हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे लोग बहुत इज्जत सम्मान करने वाले, प्यार करने वाले, आप भगत करने वाले और एक दूसरे की केयर करने वाले और पूरे भगवान से जुड़े हुए स्पिरिचुअल पीपल। वो गांव ही इतना प्यारा था जहाँ से हम आए। तो उन्होंने बोला, साधु जी ने कहा यहाँ इस गांव में भी सब लोग ऐसे ही हैं, आपका स्वागत है। तो वो भी चले गए अंदर और जो उनके फॉलोअर्स बैठे थे उसमें से एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि महात्मा जी मुझे बताइए कि एक ही गांव के बारे में, लोगों के बारे में आपने दोनों अलग अलग चीजें कैसे बोली। तो साधु जी का जवाब सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और मैं भी। उन्होंने क्या बोला कि आप जैसे, आप जिस व्यक्ति को जैसे देखते हो आपको वैसे ही वो नजर आता है। अगर आप उसको सम्मान की भाव से देखोगे तो वो आपको सम्मान करेगा, अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे तो वो आपको इज्जत नहीं दोगा देगा। आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आप प्यार से लोगों से मिलेंगे तो आपको वापस प्यार ही मिलेगा। ये हमारे जैसा भाव है हमें वैसे ही लोग मिलते हैं, क्योंकि दो लोग तो हर प्रकार के हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे भाव, हमारा जो ऑरा है उसके हिसाब से हम लोगों को आकर्षित करते हैं जैसे हम हैं। अब अगेन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें आपको प्यार देना पड़ेगा, किसी को भी प्यार सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, भगवान से जुड़ना पड़ेगा ताकि हमारा जो ऑरा है वो अच्छा हो और हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें और हम कहीं भी जाएं हमारे जैसे लोग हमें मिलते चले जाएं। आपको और क्या सीख मिली है आप मुझे बताइए। नमस्कार।